हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैप्टर नंबर थ्री ऑफ एम कॉम पार्ट वन सेम वन रेगुलर स्टूडेंट्स एज वेल एज दिस लेक्चर विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अटेम्पटिंग फ्रॉम आइडॉल दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट में हमने दो चैप्टर्स को कम्प्लीट कर लिया है एंड दिस टॉपिक्स आर लिटिल बिट सिंपल बिकॉज विच यू हैव ऑलरेडी लर्न इन यूर टी वाई दैट एंड कॉस्टिंग तो मार्जिनल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने कंप्लीट कर लिया है मैंने आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दिए है सारे वीडियोज भी आपके पास अवेलेबल है और अगर कोई भी आपको क्वेरीज उसमें आती है तो आप मुझे चैट सेक्शन में भी पूछ सकते फिलहाल अभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो थर्ड टॉपिक है and that is called as budgetary control very very important topic and it's a new topic for all of you now because marginal costing or standard costing to already aapne apne ty level pe complete kar liya hai thoda sa usme kuch extension tha wo maine aapko already karwa diya hai so let us begin with the syllabus of budgeting and budgetary control इस chapter में हम क्या सीखेंगे इस chapter में हम budgets बनाना सीखेंगे कि company अपना budget किस तरीके से prepare कर रहा है करता है और आपको इसमें क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना है सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम्स देखते हैं कि आफ्टर स्टडिंग द टॉपिक और आफ्टर लर्निंग द कंसेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर व्हाट ऑल पॉइंट्स आर गोइंग टू लर्न देयर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ बजट तो हम लोग पहले सबसे पहले बजट का कंसेप्ट सीखेंगे देन विल बी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ बजट कंट्रोल

कि हमारे पास इतने इतने पैसे हैं और हमारे खर्चे या हमारा एक्सपेंडिचर इतना होगा दैट मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड एंटीसिपेटेड इनकम्स तो व्हाट इज अवर एंटीसिपेटेड इनकम्स एंड व्हाट विल बी अवर एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस अगेंस्ट दैट दैट विल बी शोन आप देखते होंगे हर ईयर फेब्रुआरी मंथ में गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करता है रेलवे बजट हो फाइनेंस बजट हो उसमें क्या होता है गवर्नमेंट का जो ओवरऑल इनकम सोर्स है या गवर्नमेंट का जितना भी रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाला है वो सारी चीजें होती है यहां पे हम कंपनी पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाले हैं सो बजट क्या है बजट इज द मॉनिटरी और क्वान्टिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस प्लांस वाई इट इज क्वानिटेटिव बिकॉज इट इज रिलेटेड विद नंबर्स दस करोड़ पचास करोड़ तीस करोड़ इतने हमारे नंबर से रिलेटेड प्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस प्लान्स एंड पॉलिसीज टू बी परस्यूड इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम टू वॉट काइंड ऑफ चेंजेस दी ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू अचीव इन द फ्यूचर वॉट काइंड ऑफ टारगेट्स दर्गेनाइजेशन हेज सेट फॉर द फ्यूचर ऑल दोज पॉइंट्स वी विल रिक्वायर मनी और उसका एक बजट बनाना काफ़ी ज़रूरी रहेगा तो बहुत सारे बजट्स होते हैं वैसे लेकिन उनमें से कैश बजट और फ्लेक्जिबल बजट थोड़े से इम्पॉर्टेंट है आपके एम कॉम लेवल पे बिकॉज उसी दो बजट्स के ऊपर बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ़ बजट तो डेफिने लंडन के बेसिस पे डेफिनेशन है बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेड प्रायर टू अ प्री डिटरमाइंड पीरियड बजट हमेशा हम जो एक्टिविटी है उसके पहले बनाएंगे बजट एक्टिविटी होने के बाद नहीं बनाया जाता कोई टारगेट को अगर अचीव करना है उस टारगेट को अचीव करने से पहले बजट बनाया जाएगा फिर उस बजट के बेसिस हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेंगे बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इट इज डीलिंग विद मनी प्रिपेर्ड प्रायर टू अ प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द पॉलिसी टू बी परस्यूव ड्यूरिंग दैट पीरियड फॉर द पर्पज ऑफ अटेनिंग अ गिवन ऑब्जेक्टिव तो फॉर अटेनिंग एन ऑब्जेक्टिव वी आर गोइंग टू सेट द बजट

बजेट का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं विच इज कॉल्ड एज बजेटिंग ठीक है बजेटिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्रिपेरेशन ऑफ बजेट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड ऑल देखो बजट एक छोटा सा कंसेप्ट है और बजेटिंग एक बड़ा कंसेप्ट है बजेटिंग के अंदर ही बजट आता है और बजेटिंग क्या है एक मैनेजमेंट प्रोसेस है तो जिसमें हम बजट बनाना बजट को कंट्रोल करना बजट का कोऑर्डिनेशन करना ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो ऑल दिस एक्टिविटीज़ विल बी रिलेटेड विद द बजटिंग सो दैट ऑल पॉइंट्स आर बीन कवर्ड अंडर बजटिंग मतलब बजट बनाने से लेके, उसको कोऑर्डिनेट करने से लेके, उसके पॉइंट्स को ध्यान में रखने से लेके सारी चीज़ें अगर ध्यान दें तो सारी चीज़ें हमें किस में अप होगी दैट विल बी कवर्ड इन द कंसेप्ट ऑफ बजेटिंग तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बजेटिंग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा बजेटरी कंट्रोल। तो बजेटरी कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इट इज एन इंपॉर्टेंट प्री प्रिपेयर्ड बजट एंड देयर आफ्टर द लाइट ऑफ बजट एस्टिमेट बेसिकली वी आर गोइंग टू अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड फिक्स बजट एंड वी विल बी कंपेयरिंग द द विद हमने देखो बजट एक प्रडिक्शन है बजट एक फोरकास्टिंग है हमने फोरकास्टिंग किया था कि इतना इतना हमारा रेवेन्यू होगा इतना इतना हमारे एक्सपेंसेस होगा लेकिन उसको जब हम हमारे एक्चुअल रेवेन्यू या एक्चुअल एक्सपेंसेस के साथ मैच करने जाएंगे तो फिर वो रिजल्ट्स जो आएंगे उसको फिर हम इवैल्यूएट करेंगे कि हमने कितना सोचा था कितना एक्सपेंसेस हुआ हमने कितना सोचा था कम हुआ कि ज्यादा हुआ ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा जाएगा दैट इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल तो सर्टन काइंड ऑफ नेसेसरी स्टेप्स आर बीन टेकन इन बजटरी कंट्रोल फर्दर आगे बढ़ते हैं डिफरेंस इन बजट बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल तीन चीजें हमने पढ़ ली वी हैव स्टडीड बजट

तो ध्यान से कंफ्यूज मत हो जाना सभी में बजट 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 तीन बार बजट बजटिंग बजटरी कंट्रोल है देखो बजट क्या है हम बिजनेस के एस्टीमेट्स को फाइंड करेंगे बजटिंग क्या है बजटिंग एक प्रोसेस है जो हम फॉलो करेंगे और बजटरी कंट्रोल क्या है एक सिस्टम है जिससे हम परफॉर्मेंस को अचीव करेंगे दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द थ्री कंसेप्ट फर्दर बजट एंड बजटिंग आर पार्ट्स ऑफ प्लानिंग बजट budget और बजटिंग में हम किस पे ध्यान देते हैं हम प्लानिंग पे ध्यान देते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग पे ध्यान देते हैं और जो बजटरी कंट्रोल है उसमें हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग के ऊपर ध्यान देते हैं कोऑर्डिनेशन कैसा है कंट्रोलिंग मतलब इवेल्युएशन का कंसेप्ट आ जाएगा तो बजटरी कंट्रोल में हम इवेल्युएशन के ऊपर फोकस करते हैं और बजट budget और बजटिंग में हम क्या करते हैं प्लानिंग के ऊपर ध्यान देते हैं फर्दर आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स देखेंगे कि बहुत सारे टाइप के बजट्स बनाए जाते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड वी हैव लॉन्ग टर्म बजट करंट बजट एंड शॉर्ट टर्म बजट तो पीरियड के बेसिस पे पहला बाइफर्केशन तीन टाइप के बजट्स बनाए जाएंगे नंबर वन इज लॉन्ग टर्म बजट नंबर सेकेंड इज करंट बजट एंड नंबर थर्ड इज़ शॉर्ट टर्म बजट सेकेंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज फिक्स बजट एंड फ्लेक्जिबल बजट तो फ्लेक्सिबल बजट बार बार पेपर में आपको पूछा जाता है तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्लेक्सिबल बजट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बजट वी हैव फंक्शनल बजट तो बेसिस ऑफ फंक्शंस की अगर बात करें तो आपको मास्टर बजट भी है फंक्शनल बजट भी बनाया जाता है फंक्शंस के तो ये बेसिस पे बजट बनाया जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट आपके लिए बजट है विच इज कॉल्ड एज कैश बजट तो कैश बजट भी है वो हम डिस्कस करेंगे इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश के बारे में थैंक यू वेरी मच दिस वॉज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो रिलेटेड टू बजेटरी कंट्रोल आई होप की दिस थ्री कंसेप्ट आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट लेक्चर्स टू कम विल बी डीलिंग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिकॉज एग्जाम में तो आपको प्रैक्टिकल ही पूछा जाएगा थैंक यू बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर